हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस. प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूले. टुडे वी डिस्कस द टाइप ऑफ सेल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. दो तरह की सेल होती हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स. हम उनमें डिफरेंस को आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उनमें मेनली क्या डिफरेंस है. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है. जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है. इसलिए ये किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं. लेकिन प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है. कैसा न्यूक्लियस नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड. देख लीजिए, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. फिर सेकंड डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट. न्यूक्लियोइड क्या है? एब्सेंट है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड से आप क्या समझते हो? जब किसी सेल में प्लाज्मा, किसी सेल के न्यूक्लियस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है उसके चारों तरफ, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे इस तरीके से क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर. और उस इकट्ठे हुए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं. तो हमें पता है कि यूकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, तो इसलिए उसमें न्यूक्लियोइड क्या होगा? एब्सेंट होगा. और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड क्या होगा? प्रेजेंट होगा. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरे हुए क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे गोल्गी बॉडीज की बात करें, इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में किसी भी ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है. सेल साइज की बात करें तो सेल का साइज यूकैरियोट का 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर होता है. कितना होता है? 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर. लेकिन प्रोकैरियोट में सेल साइज क्या होता है? 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर होता है. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जो सेल वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल होती है, ये किस चीज की बनी हुई होती है? सेलुलोज की. किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. किसके अंदर? प्लांट के अंदर. लेकिन अगर हम फंगस की बात करें तो उसमें किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है. किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की. अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं मुरेन की बनी हुई होती है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल प्लांट सेल, प्रोटिस्टा, फंगस आता है. और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं. एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बाहर क्या होती है? सेल वॉल. और फिर अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. फिर ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ये शीट्स की फॉर्म में क्या पाए जाते हैं? गोल्गी अपरेटस पाए जाते हैं. और इन गोल्गी अपरेटस के ऊपर ये छोटे छोटे दानेदार दो ऑर्गेनेल्स लगा हुआ है, ये कौन सा होता है? राइबोसोम होता है. कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है? राइबोसोम. उसके बाद हम बात करें कि ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. और अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियोइड क्या है? प्रेजेंट है. और बाकी ये इधर जो लिक्विड है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा किसके बारे में? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सेल के बारे में.
नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो पार्ट हमारा 5 होगा। थैंक यू, और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, और हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे।